नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जो अब सागर में भी जोरों पर दिखाई दे रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और खाद्य विभाग के संयुक्त टीम ने सागर और उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया की बेकरी, मिठाई और खाद्य से संबंधित दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही। रविवार को संयुक्त टीम ने कटारा स्थित एक खोवा की दुकान से और मकरोनिया क्षेत्र की प्रकाश डेयरी, जनता होटल, चाट सेंटर, जूस सेंटर, बेकरी और कई अन्य दुकानों में सैंपल लिए। साफ सफाई नहीं मिलने पर सभी दुकानों के लिए नोटिस भी जारी किए गए। वहीं चाट की दुकान पर उपयोग किए जा रहे घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि मिलावट खोरों को न बख्शा जाए, इसके तहत हम लोगों ने हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं और फूड की टीम है, हमारे पुलिस की और नायब तहसीलदार राजस्व की टीम के साथ हमने आज मकरोनिया क्षेत्र में 3-4 दुकानों का किया है, सैंपलिंग की है। एक तो प्रकाश डेयरी का किया सैंपलिंग, दूसरा है कि जूस भंडार आप जहाँ सामने खड़े हुए हैं, और ये दो मिष्ठान्न भंडार है, एक जनता होटल एक और बगल में जी, यहाँ हम लोगों ने सैंपलिंग की है और साफ सफाई को देखा है और इनको सजेस्ट किया है कि गंदगी और साफ सफाई के विषय ध्यान दें, गंदगी से क्या क्या अनियमितताएं पाई हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिलावट खोरों के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है, उससे मिलावट से मुक्ति के संबंध में मकरोनिया में नहीं, पूरे शहर में सभी जगह दुकानों पे और फैक्ट्रियों में जो मावा की है या मिठाई की है, अन्य स्थान भंडार है, सब में छापेमार कार्रवाई की जा रही, जाँच की जा रही है, जिसके दौरान आज हमने निरीक्षण किए हैं 6 कुल, जिसमें रेगुलेटरी नमूने जांच किए हैं, जो अभी भोपाल जाएंगे वहां से जांच की जाएगी, और सर्विलेंस नमूने 24 किए हैं, जिनकी जांच हम यहीं करेंगे और उसका नतीजा भी कल शाम तक आ जाएगा, वो यहीं का है। तो इस प्रकार से हमने कुल 29 नमूने आज लिए हैं, जिनकी जांच करेंगे, करवाएंगे, और जिसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध जो नियमानुसार है कार्रवाई की जाएगी। मकरोनिया के ऊपर भी है